संजय बेरी ब्लॉग्स। दोस्तों आपका स्वागत है संजय बेरी ब्लॉग्स में। मैं आज दिखाऊंगा बैजनाथ के बारे में। बैजनाथ जो झील है ये बागेश्वर का एक छोटा सा एरियास पड़ता है, जहाँ पे आपको मैं बैजनाथ की झील के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, आप आए उत्तराखंड के सबसे अच्छी प्लेस भी बोल सकते हैं, इसे सबसे बेस्ट प्लेस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका बैजनाथ झील देख रहे होंगे, ये बैराज है, बैराज टाइप का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये बागेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर में है। तो ये आपको यहाँ पे आने के लिए टैक्सी का साधन या आपके पास कोई और साधन है तो आ सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों यहाँ पे बैजनाथ झील के बारे में आपको दिखाऊंगा, यहाँ के नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, किस प्रकार से यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, किस प्रकार से झील है और कैसे यहाँ पे निर्माण हुआ करके, इन चीज़ों के बारे में मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब एंट्री करते हैं फिर बैजनाथ झील की। इसके अंदर ये गेट है यहाँ पे, और एक पीछे से भी दोस्तों गेट है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। और एक ये है गेट, यहाँ से है, यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं बैजनाथ झील के अंदर का रास्ता है यहाँ पे बैजनाथ झील जाने का। तो एक पीछे से भी गेट है दोस्तों, वहाँ से आप देख रहे होंगे। और ये है यहाँ पे इतने अच्छे पेड़ लगे हैं, ये देखिए कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है, अभी मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से पर्यटक है, स्थल है करके यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे झील के प्रयोग, पर्यटन, नौकायन, मत्स्य पालन और सिंचाई वृद्धि। ठीक है, सिंचाई खंड ये बागेश्वर में पड़ता है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए कितना इसका क्षेत्र क्षमता कितनी है, लागत कितनी है करके इसके बारे में ये सब कुछ दिया है दोस्तों। यहाँ पे बैठने का स्थान भी है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो। पहले मैं आपको यहाँ इस स्थान पे लेके जाऊँगा, यहाँ से मैं आपको सब जगह दिखाऊँगा किस प्रकार से यहाँ से दिखता है करके, किस प्रकार से व्यूज़ आते करके इसके बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको झील की ओर, जो झील है वहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाऊँगा। ये दोस्तों देखो, एक हमारे बुबू भी बैठे हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे विश्राम करने वाला स्थान है, यहाँ पे आप आते हैं तो विश्राम कर सकते हैं। ये बारिश में बचने के लिए भी बनाया गया है और सीटों का प्रयोग भी हुआ है। ये देखिए, और बुबू नमस्ते, यहीं के हो आप? यहीं के हूं। अच्छा, यहाँ कैसे, कहाँ रहते हैं? यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं। अच्छा। जो बूढ़े आदमी को तो विश्राम करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, जरूरी है विश्राम के लिए। हाँ समय निकालना थोड़ा सा और बच गया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। और सब ठीक है? कहाँ रहते हो आप? इधर जरूर होता है, स्टेट बैंक के पास है, मेरे पास एक कुटिया है ना। अच्छा अच्छा, रात को सोता हूँ, दिन को घूमता हूँ। पहले मैं नौकरी करता था। अच्छा अच्छा, और अब रिटायर हो गया मैं। हाँ हाँ, किस में करते आप, जॉब किस में करते थे? PWD में था मैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, रिटायर हो गया। PWD में ड्राइविंग करता था। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो और यहाँ किसके किसके साथ रहते हो आप? यहाँ मेरा परिवार है। अच्छा अच्छा, परिवार है। परिवार। अच्छा, उनके साथ। अच्छा, जो के मेरे को खिला देते हैं। हाँ हाँ, खा लेते हैं, राशन पानी रख दिया, पका के वो भी खाते हैं, मुझे भी। अच्छा, आप घूमते रहते हो मतलब? तो क्या करें, वो हाँ, तो लगता नहीं। हाँ सही ना। हाँ हाँ, कमरे में क्या मन लगा। हाँ सही बात। थोड़ा इधर हाँ, आप लोग के दर्शन में थोड़ा हाँ, दर्शन। चलिए बढ़िया है। यहाँ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे भोले बाबा का मंदिर है ना। हाँ हाँ, भोले बाबा। हाँ हाँ, मैं आया हूँ, पहले आया हूँ मैं। दो तीन अभी नहीं गए? नहीं नहीं, अभी अभी जाऊंगा मैं, अभी दिखाऊंगा। वो भोले बाबा जी हैं, पहले इनकी जब भी आए यहाँ पे, इन्होंने अपने बच्चों को इधर रखा। हाँ, भोले बाबा ने, भोले बाबा की घरवाली थी। हाँ, वो उधर रहे कुछ दिन। हाँ, इसके बाद अपना चले गए लाश की तरफ, वो एक जगह थोड़ी रहते। अच्छा हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे उन्होंने बसेरा बनाया वहाँ पे उसको तो फेमस हो गया। कुछ दिन रह गए। हाँ, कुछ दिन रह गए तो इसीलिए फेमस हो गए, निकल गए। हाँ, अब हम लगे जो प्राणी है हम उसको पूछते रहते। हाँ हाँ, उसको पूछते रहते। सही रहते हैं उसको, उसका मतलब यह हम क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए आया करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो गए। हाँ वो तो गए। हाँ, वो तो प्रत्येक प्राणी में, आदमी में बसे हुए हैं। हाँ, सब में बसे हुए हैं। हाँ,
भगवान भी यहाँ अमर नहीं है रहा। हाँ हाँ वो भी चलेगा। हाँ सही बात है। अपना अपना नगर बहुत अच्छा लगा मुझे यार, जिसके अंदर भगवान है बचे हुए वो बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा था। बुजुर्ग लोगों के इंसान अंदर भी भगवान बसा रहता है और बच्चों के अंदर भी भगवान बसा रहता है, तो है कहाँ पे इनी टाइम भगवान है। हाँ हाँ उसी के द्वारा वो जो इन आचार्य से जो करो कहता है वही करते हैं। हाँ हाँ ये वही करो बोलते वही करेंगे। सही बात सही बात। अपने मन से इंसान चाहेगा कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं अपने मन से कुछ नहीं कर सकता वो, नहीं, वो करवाता है खुद अंदर बैठा है। हाँ वो अपने आपके ब्रेन के अंदर से बोलता है ऐसा कर ऐसा हाँ। कर ऐसा कर नहीं बोलता। हाँ हाँ सही बात। अभी भूख लग गया खाना खा बोलता। हाँ हाँ सही बात। वो भगवान साथ में है, आपको चिंता नहीं करनी है। हाँ हाँ तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा, अब नीचे जाऊंगा मैं यहाँ पे बैराज ये ताल की तरह किस प्रकार से करके। बूबू से बात होगी, अच्छा लगा बूबू से बात करके, बहुत अच्छे मतलब एक विचार उनके देखे मैंने किस प्रकार से थे करके, बहुत अच्छे विचार हैं उनके बूबू के हमारे। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ नीचे की ओर, आप चलता हूँ नीचे की ओर, मैं निकल पड़ा हूँ। अब बूबू से बात की, अच्छा लगा उनके विचार जाने मैंने किस प्रकार से लोगों के आजकल विचार है करके। मैंने उनसे बात की कि आजकल का प्राणी जो है अपने आप को ढूंढने में लगा है किस प्रकार से करके। पहले जो महर्षि होते थे तो वो निकल पड़ते थे कि किस प्रकार से मनुष्य का जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है करके, इसके बारे में। आजकल का प्राणी जो है अपने जो जीवन से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ आपको ये बैजनाथ का जो झील है दोस्तों, बहुत प्यारा सा इसका नज़ारा। ये देखिए आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है। ये बैराज बनाया गया है दोस्तों पानी को रोकने के लिए। पहले यहाँ पे छोटे से मतलब ताल हुआ करती थी, अब देखिए इतना अच्छा बैराज आपका बना दिया है। ये बैजनाथ का बैराज है दोस्तों, ये बागेश्वर के जिले में आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से रास्ता है आपका नीचे जाने का, और ये देख रहे होंगे कितने सुबह का मौसम है दोस्तों, अभी बज चुके हैं 10 बजे हैं, 10 बजे का कुछ ऐसा टाइम हुआ है दोस्तों। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से बैराज है करके। सिंचाई खंड बागेश्वर, इसका जो सिंचाई खंड होता है इसको बागेश्वर के अंतर्गत रखा गया है बैराज, ये झील झील के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ के पानी का बहाव अभी तो कम है, बरसात के मौसम में बहुत कम रहता है, तो बरसात के मौसम में तेज़ रहता है दोस्तों। अभी ये मौसम अभी सही है, थोड़ा सा कम पानी है दोस्तों, ये देखेंगे आप। तो यहाँ पे पर्यटक भी स्थल बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग यहाँ पे देखने के लिए भी आते हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। जितना भी जो बैराज बनाया जाता है डैम, जैसे डैम बनते हैं दोस्तों वैसे इस प्रकार से बैराज को पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है दोस्तों। डैम भी इसी प्रकार से बनता है दोस्तों, जिस प्रकार से ये बैराज बने हैं, छोटे छोटे बैराज होते हैं, डैम का साधन भी ऐसे होता है। डैम जो आपको देखे होंगे आप डैम, तो इसी प्रकार से पानी रोका जाता है दोस्तों। जैसे मैंने टिहरी डैम के बारे में जो बताया था आपको, टिहरी डैम जैसे कि ऐसे और जो डैम है, तो पानी को इस प्रकार से रोका जाता है, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त बनाने के लिए या उसको और अदर पानी का प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मंदिर जो है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर कौन सा मंदिर है फेमस, जैसे कि शिव जी के बारे में वो बता रहे थे कि उन्होंने जो स्थान इस स्थान को शिव जी ने चुना, यहाँ पे शिव जी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुके थे अपने जो बच्चों के साथ। तो उसका नज़ारा मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाऊंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए दोस्तों कितना हरा पानी है। यहाँ पे नाव की सुविधा भी, अगर आप अनुभव उसी का मजा लेना चाहते हैं तो ये बोट का सिस्टम भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा किराया नहीं होगा, जैसे कि 100 रुपये 150 रुपये यहाँ पे आप बोट भी ले सकते हैं, उसका मज़ा भी ले सकते हैं।
वो उस स्थान से जो दूसरा रास्ता है दोस्तों, वहाँ से चल के आ सकते हैं, वहाँ से आप इसका नज़ारा ले सकते हैं। तो मैं चल चुका हूँ अपने रास्ते पे, रास्ता बहुत अच्छा है दोस्तों। ये एक क्या कहते हैं, नहर है, नहर टाइप का पानी के लिए बनाया है। देखा हम आपसे यहाँ पे ठंडी के मौसम में भी बहुत ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। अभी तो यहाँ पे सीजन सही चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अभी ज़्यादा ठंड का मौसम नहीं है, मतलब ठीक है। अभी जैसे कि जनवरी के मंथ में आपको बर्फबारी भी देखने के मिलेगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ आपको बर्फबारी भी दिखाऊंगा किसी टाइम में, अगर मैं यहाँ इस समय की बात करूँ देख लूँगी दोस्तों। आप मंदिर की ओर आ गए जो शिव जी के जो स्थान है, यहाँ पे इस समय उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, तो आपसे संग गर्म जवानी है, सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। आगे हैं इस साइड में, तो जहाँ पे बोट थी, बोट के साधन के लिए इनसे बात करते हैं क्या बोलते हैं करके, उसके बाद बोट में अगर बैठने का हुआ तो उसके बाद, नहीं तो ठंड भी है, बोट का सफ़र नहीं कर सकते। तो ये देख रहे होंगे, ये बच्चों के खेलने के लिए भी है, इसमें इसके अंतर्गत जाके और इसको टाउन कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो बोट की सुविधाएं भी उपलब्ध है, देखिए किस प्रकार से करके यहाँ देखिए। तो बात करते हैं, ये बोट का है आपका, क्या रेंट है इसका? 100 रुपीज़ पर पर्सन 20 मिनट। अच्छा, क्या राउंड, कैसे राउंड करवाओगे? सेल्फ है, सेल्फ है, सिंगल में कैसे जाऊंगा यार मैं? चलिए ठीक है, तो ये था आपका 100 रुपीज़ में बता रहे हैं, सेल्फ है और ये राउंड करके ऐसे ये बोट का, बोट के माध्यम से ये ऐसे आएंगे। ये मतलब खुद चलाना पड़ेगा इस बोट को, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जो पैंडल वाला जो सिस्टम होता है वो है दोस्तों। देखिए पूरा राउंड करके आप कर सकते हो, पर पर्सन 100 रुपीज़, 100 रुपये पड़ेगा आपका एक एक पर्सन का, अगर दो लोग जाते हो दोस्तों। तो हम आ गए हैं मंदिर साइड में, मंदिर साइड का यहाँ पे नज़ारा दिखाएंगे आपको, यहाँ पे ट्रैवलिंग सभी अधिकतर लोग आते हैं। तो देखते हैं मंदिर में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों मंदिर, पूजा के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैं एक ग्राउंड लगा के मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे है। ये देखिए किस प्रकार से, ये किस पत्थर से, ऐसे पत्थर से बने हैं, पूजा पाठ भी हो रही है यहाँ पे। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। ये गेट, मेन गेट तो यहाँ से था इसका, ये इधर से आने हो उधर से भी आ सकते हो आप। ये आने हमारी विरासत, हमारा गौरव। ये देखिए बोर्ड लगा है यहाँ पे, देखिए पेड़ पौधे भी यहाँ पे अच्छे लगे हैं। पर्यटक स्थल सभी लोगों के दूर दूर से यहाँ पे आपको दिखेंगे, पूजा का स्थान। यहाँ पे दूर दूर से यहाँ से पर्यटक स्थल आते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे।
अच्छा भाई, यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है यहाँ का व्यूज देख के? हैं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और फिर ये बोट में बैठे आप? अभी तो नहीं आया। अच्छा फर्स्ट टाइम ही आया हूं। अच्छा कहाँ से आए हो आप? मैं श्रीनगर। श्रीनगर से? अच्छा वेरी गुड, बढ़िया यार। चलो यहाँ पे ऊँचे ऊँचे पहाड़ देखने के लिए यहाँ से आइए। ऊँचे पहाड़ यहाँ और थोड़ा प्लेन है। अच्छा हाँ, ये तो प्लेन है। इसके बाद कहाँ जाने का विचार है आपका? अपने दोस्त के साथ आया हूँ घूमने। अच्छा अच्छा घूमने के लिए। वैसे मस्त अच्छी जगह है ना ये गोलू बैराज। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर लोग बाहरी के होंगे, यहाँ पे बाहर से घूमने के लिए आते हैं। तो देखेंगे ये मंदिर है जो शिव जी और पार्वती के लिए यहाँ पे विश्राम करने के लिए, जैसे कि शिव जी अपनी जो मतलब परिवार के साथ थे कुछ दिनों तक यहाँ पे विश्राम किया था उन्होंने, तो इसीलिए ये फेमस है। यहाँ पे जो मंदिर बने हैं, ये छोटे मंदिर बने हैं, बड़े जो जैसे भी मंदिर हैं यहाँ पे हैं, तो इसीलिए ये पत्थर से इस चीज़ को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया दोस्तों। जिस स्थान पे भी आप लोग कुछ दिन ठहरते थे वहाँ पे भगवान या देवभूमि के नाम से तो उत्तराखंड जाना जाता है, तो कुछ दिन यहाँ पे रुकते थे तो यहाँ पे पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पे उनको थाप दिया जाता था और इसी के लिए फेमस हो गया दोस्तों। ये देखिए झील का नज़ारा। चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। आज ये ब्लॉग्स में गोलू बैराज के बारे में मैंने बताया था, अब निकल चुका हूँ मैं अपने रास्ते में। तो दोस्तों ये मेरा जाने वाला रास्ता है, तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरा ये सफ़र, ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं किसी और चीज़ के बारे में। तो ये रास्ता, ये वाला ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ।